नमस्कार, मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। आज आपको मैं त्रेता युग की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो श्री राम और सीता जी से संबंधित है। 14 वर्ष के वनवास के लिए श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी अयोध्या से निकलते हैं और जगह जगह अपना पड़ाव पार करते हुए उनका पांचवा पड़ाव पंचवटी में होता है। नासिक में अगस्त्य मुनि का आश्रम है और उनका आश्रम पंचवटी क्षेत्र में है। यहाँ पर कुछ समय के लिए ये तीनों अपना निवास करते हैं। जहाँ प्रभु राम की कुटिया है, उसके बगल से ही एक छोटी सी नदी कल कल करके बहती है और उस नदी की वजह से, उसके पानी की वजह से एक बेल धीरे धीरे वहां पनपने लगती है। प्रभु की कुटिया के बाहर एक सूखा पेड़ है। धीरे धीरे वो बेल उस पेड़ से लिपट जाती है और ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है और इस लता की वजह से ये सूखा हुआ पेड़ हरा भरा दिखाई देने लगता है, सुंदर दिखने लगता है। तो उसे देखकर एक दिन श्री राम जी सीता जी से कहते हैं, सीते देखो तो ये सूखा हुआ पेड़ आज कितना सुंदर लग रहा है। इस लता की वजह से ये हरा भरा दिखाई देने लगा है। इसका जो सौंदर्य है वो सब इसी बेल की वजह से है। सीता जी उनके कहने का मतलब समझ जाती हैं तथा वो कहती हैं कि प्रभु, ये तो इस पेड़ की महानता है जो इसने इस बेल को अपने यहाँ पर आश्रय दिया है। अगर ये अपने पेड़ से इसे लिपटने नहीं देता तो ये बेल कहीं मिट्टी में मिलकर दब कर रह जाती या इसे कोई जंगली जानवर खा लेता। इसी पेड़ की वजह से तो आज ये लता आसमान को छूने के सपने देखने लगी है। इसलिए महत्व इस लता का नहीं, इस पेड़ का है। तो वहीं प्रभु कहते हैं कि नहीं, कि जो कुछ भी महत्व है वो इस लता का है। दोनों आपस में एक दूसरे से ये बात कह रहे हैं और असमंजस में है कि इसका फैसला किससे कराया जाए। तो फिर दोनों लक्ष्मण जी के पास पहुंचते हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, भाई सुनो, मैं आपके समक्ष एक बात रख रहा हूँ, उसका आपको फैसला करना है। श्री राम अपना पक्ष रखते हैं। लक्ष्मण जी जवाब दें उससे पहले सीता मैया कहती हैं, सुनो लक्ष्मण जी, अपने भाई की बात का जवाब देने से पहले आप मेरा भी पक्ष जरा सुन लीजिए, उसके बाद ही फैसला दीजिएगा। और वो भी अपनी बात रखती हैं। अब लक्ष्मण जी बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं कि अब मैं इसका क्या जवाब दूं। तब वो बड़ा सोच समझ कर कहते हैं कि प्रभु और माते, मैं नहीं जानता कि पेड़ का महत्व अधिक है या बेल का महत्व अधिक है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि इन दोनों की वजह से हमें छाया जरूर मिल रही है। कितनी बड़ी बात है कि पति और पत्नी दोनों ही एक दूसरे को सम्मान देने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को अपने आप से ऊंचा बता रहे हैं। कि भटका हुआ जहीन था बिखरे हुए जज्बात, सोचा भी न था कि बन सकेगी कोई बात। हम जो कुछ बने हैं एक दूजे से। हम कुछ भी न होते गर न होता एक दूजे का साथ, गर न होता एक दूजे का साथ। जी हाँ, अगर परिवार में पति और पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का स्नेह करें, वह परिवार
बहुत आगे बढ़ता है तथा साथ ही परिवार वाले उनका मान करते हैं। नमस्कार।